आर्थिक राजधानी मुंबई में नकली पुलिसकर्मियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन मुंबई में घूम रहे नकली पुलिसकर्मी छोटे मोटे दुकानदारों और व्यापारियों से ठगी की वारदात को अंजाम देते रहते हैं। हालांकि पुलिस भी समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई करती है। इसी कड़ी में मुंबई की MIDC पुलिस ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है जो नकली पुलिस बनकर छोटे मोटे दुकानदारों से वसूली किया करता था। पुलिस के मुताबिक कथित आरोपी ने मुंबई ठाणे और उसके आसपास के इलाकों में छोटे मोटे कई दुकानदारों से हफ्ता उगाही की थी। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि कथित आरोपी को पुलिस ने वेपन होस्टर और हेलमेट की निशानदेही पर गिरफ्तार किया है। दरअसल MIDC पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर एस पालवे अंधेरीपुर के चकाला इलाके में गश्त कर रहे थे, तभी एक पान बीड़ी शॉप के पास एक शख्स पुलिस की वर्दी पहने हुए दिखाई दिया और उसकी कमर पर पिस्तल रखने वाला होस्टर भी बंधा हुआ था। इसके अलावा उसके पास जो हेलमेट था वे ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट का था। सब इंस्पेक्टर पालवे पहले तो आगे निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्हें याद आया कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को रिवॉल्वर तो दिया ही नहीं गया, इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ी और उस आरोपी के पास आ गए। कथित आरोपी से जब सब इंस्पेक्टर ने पूछताछ शुरू की और उससे उसका आई कार्ड मांगा तो वे अपना रौब झाड़ने लगा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वे CID से है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर पालवे को यकीन हो गया कि ये नकली पुलिसकर्मी है, जिसके बाद उसे MIDC पुलिस स्टेशन लाकर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 45 साल के कैलाश खामकर के रूप में हुई है, जो कि घाटकोपर के भीमनगर इलाके का रहने वाला है। कथित आरोपी ने ठाणे के एक टेलर से सहायक पुलिस निरीक्षक की वर्दी सिलवाई थी और उसे पहनकर दुकानदारों से वसूली करता था। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना कोई निशान छोड़ ही देता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कथित आरोपी ने पुलिस की वर्दी तो सिलवा दी थी, लेकिन जो हेलमेट मिला था वे ट्रैफिक पुलिस का था और इसी के आधार पर कथित आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शाम पे चकाला के पास हमारा MIDC पुलिस स्टेशन का PSI पालवे और उसका पूरा टीम पेट्रोलिंग करते वक्त एक आदमी पुलिस का यूनिफॉर्म पहने हुए थे और उसके पास एक सफेद कलर का गाड़ी और हेलमेट, मतलब जिस ट्रैफिक कांस्टेबल जो उसके पास जो व्हीकल रहते ऐसा एक व्हीकल थे, उस आदमी को इस एरिया में कभी दिखा नहीं। इसके वजह से हमारा ऑफिसर पालवे वहाँ पे जाके उससे पूछे, आप कहाँ पे काम करते? शुरुआत में उसने बोला कहीं पे पुलिस स्टेशन में है, बाद में उसने CID में काम करता ऐसा उसने बोले थे। इसके और उससे डाउट आने पे उसके पास ID कार्ड पूछा गए थे। ID कार्ड पूछने पर उसने कुछ घाटों पर पुलिस स्टेशन का ID कार्ड ऐसा दिखाया था, उससे हमारा डाउट और ज़्यादा हो गए और उसको पुलिस स्टेशन में लेके आके उसका पूछताछ करने पर उसने कबूली दिया कि वो एक पुलिस है, बनावट पुलिस है, और उसने कौन से भी दुकान में जाके सिगरेट पैकेट और कुछ पैसा मांगने का काम करते थे और उसके बारे में हमारा तपास चालू है और उसके ऊपर 420 और 170 कलम दाखिल करके FIR दाखिल किया, अरेस्ट किया, एक दिन का उसका PC थे।